AIMIM सिकंदराबाद विधानसभा प्रत्याशी दिलशाद अहमद ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ असुद्दीन ओवैसी पर हुई फायरिंग के खिलाफ जिलाधिकारी महोदय को महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। दिलशाद भाई, कल जो है ओवैसी साहब पर टोल पर अटैक हुआ है, गोलियां चली गई हैं और आज आपने ज्ञापन दिया है, क्या कुछ आगे आप कार्रवाई करना चाह रहे हैं? देखिए, ज्ञापन हमने दे दिया है, जिस चीज़ की हमने मांग की थी उसमें कुछ चीज़ें पूरी हो गई। नरेश्वर साहब सिक्योरिटी से बहुत दूर रहते हैं, आज तक उन्होंने कभी सिक्योरिटी की मांग नहीं करी, नहीं चाहते हैं, उनको बहुत परेशानी होती है इससे। लेकिन वक्त हालात देखते हुए गवर्नमेंट ने उनको सिक्योरिटी दी है, अभी आज का लाइन हुआ है, लगभग 50 से 100 लोग रहते हैं उस कमेटी के अंदर। लेकिन मकसद हमारी सिक्योरिटी देने से ख़त्म नहीं होता, सवाल हमारा सिक्योरिटी पुलाने से ख़त्म नहीं होता है। सवाल ये है, ये आतंकवादी संगठन नए जो पैदा हो रहे हैं किसी और नामों से, किसी और चीज़ों से, इनकी तहत तक गवर्नमेंट को जाना चाहिए, सरकार को जाना चाहिए, आई साहब को जाना चाहिए, आई साहब मतलब इसकी इंटेलिजेंट। क्या आप ये कहना चाहते हैं जिन लोगों ने अटैक किया ये लोग आतंकवादी हैं? सीधी बात है, बताइए, इतने बड़े नेता के ऊपर, सर जी ये तो अटैक कर रहे हैं मुसलमानों के बच्चों पर, तो बगैर अटैक करे भी आतंकवादी को केस लगा दिए जाते हैं। आज कहाँ गया संविधान, आज कहाँ गया प्रशासन, आज कहाँ गया शासन? अच्छा, कौन लोग हैं जो ओबीसी साहब जैसे बड़े नेता पर अटैक कर रहे हैं? लोग मतलब आप समझ सकते हैं हिंदुस्तान की हालत क्या हो गई है, क्या किस तरीके से ये मामला हो रहे हैं। हमारे विपक्षों की नींदें हराम हैं, हम उत्तर प्रदेश की सरजमी पर उतर चुके हैं। लोग नहीं चाहते कि मुस्लिमों का लीडर पैदा हो, लोग नहीं चाहते कि हमारा नेता पैदा हो, लेकिन आप लोग कान खोल के एक बात सुन लीजिए विरोधियों, हम डरने वाले नहीं हैं, हम अजीज इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के सिपाही हैं, वो हमारे लीडर हैं, हमारे अमीर हैं, हमारे कायद हैं। हम आपके संदेश से बताना चाहते हैं कि हमें और न सताओ, हमारे अमीर हैं, हमारे बच्चा बच्चे उनके ऊपर कुर्बान हैं, हम उनकी जान के लिए दुआएँ करते हैं, हम उनकी रेवरी के लिए दुआ करते हैं, हम उनकी सलामती के लिए दुआ करते हैं। लेकिन ये जो घटना हुई है ये उन दो बच्चों का काम नहीं है जिन्होंने करी है, ये बहुत बड़ा संगठन इसके पीछे है, बहुत बड़े लोग हैं। और कभी सबसे पहले अयोध्या में साबित कहा जाए, कौन लोग हैं, कौन लोग हैं लोग, मतलब ये है कि आप समझ सकते हैं ना, मैं इसका डायरेक्टली नाम नहीं सकता, पता लगा कि इस घटना से आपको चुनाव को असर पड़ेगा कोई? देखिए, चुनाव का असर नहीं, जानों से चुनाव का असर नहीं पड़ता, हम लाखों की राजनीति नहीं करते, नहीं चाहते कि हमारे साथ ऐसा हो, हमें जानना चाहते हैं और ये मानना चाहते हैं कि हमें जानना चाहते हैं और हम ये मानना चाहते हैं कि हम सब लोग इन चीज़ों से दूर रह के हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, हम विकास की राजनीति करना चाहते हैं, हम लोगों की समस्या की राजनीति करना चाहते हैं। गोली चलाए क्या साबित करना चाह रहे हैं? उत्तर प्रदेश से हट जाएंगे हम, आज के बाद हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत मजबूती से उतरने वाले हैं, हम लोग अपना प्रचार जारी रखेंगे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन न कल कमजोर थी, न आज कमजोर है, न इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कमजोर रहेगा। सिकंदराबाद आ रहे हैं ओबीसी साहब? देखिए, सुनने में तो आ रहा है सिकंदराबाद इंशाल्लाह आएंगे, लेकिन कल की घटना के बाद में क्या समीकरण बदलते हैं, क्या प्लानिंग चेंज होती है, क्या मामला तो होंगे, ये अभी मेरे पास जानकारी नहीं। जैसे विधानसभा वाले क्षेत्र के लोगों के लिए देना चाहते हैं? यही देना चाहता हूँ कि अभी आप देखिए, हमारे बैरिस्टर साहब पे कल हमला हुआ है, अगर आप हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी कोई इस तरह की सुरक्षा नहीं ली, वो हमेशा ओपनली कहीं भी जाते हैं, तो मैं गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश कल की घटना से चुनाव को फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ना चाहिए, क्योंकि देखिए आज पूरे हिंदुस्तान में जितने भी हमारे पार्टी के विरोधी हैं वो ये चाहते हैं कि इस पार्टी का किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर उदय नहीं हो, उठे नहीं, यानी कि ये आज इतनी मजबूती से उठान पर है कि सब विपक्षी पार्टियां जो हैं बौखला गई हैं, वो चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर ये पार्टी ने कदम रख दिया या ये उठ गई तो आज जो पार्टियां मुसलमानों के हितेशी बन रही हैं वो सारी पार्टियां धराशायी हो जाएंगी, चाहे उसमें सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, कोई सी भी पार्टी हो, बगैर मुस्लिम के ये पार्टियां कुछ नहीं कर सकती। और आप जानते भी हैं पिछले इतिहास को, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, उसने भी बगैर मुसलमानों के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, वो नहीं रह सकते थे। इसी तरीके से हमारी बहन कुमारी मायावती भी मुख्यमंत्री रही हैं, वो भी अगर मुस्लिम कयादत अगर उनसे हट जाए, मुसलमान हट जाए, तो वो भी नहीं रह सकती, ये सब लोग जानते हैं। इसलिए ये चाहते हैं कि मुसलमान किसी भी तरीके से यहाँ पर उनका नेता जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के रूप में यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आ चुका है, वो किसी भी तरीके से यहाँ पर नहीं आए, और उसी वजह से ये षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। आज ये जितने भी आपने देखा होगा जो कल की घटना है, ये 5:20 की जो घटना हुई है, इसके अंदर ख़ास तौर से आपने वो लोग हैं जो बीजेपी के साथ थे, जो डॉक्टर महेश शर्मा हैं उनके साथ उनका फोटो है,
और वो अपने आप को हिंदूवादी संगठन से भी जुड़े हुए हैं, उनके खुद क्लिप है और उनके फोटो है उनके साथ। जांच का विषय है वो किस संगठन जुड़े हुए हैं, किसी हम आरोप नहीं लगा सकते। जांच होगी, इसके अंदर मालूम पड़ेगा कौन लोग हैं कौन नहीं है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जांच होगी उसमें खुद पता लग जाएगा। जो सोशल मीडिया पर हमारे पास बहुत सारे फोटो हैं तो वो क्या गवाही देते हैं ये चीज देखने वाली है, क्योंकि वो योगी जी के साथ भी उनके फोटो और दीगर जो नेता हैं हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके साथ भी उनके फोटो हैं, तो ये क्या गवाही देती है, इससे क्या प्रूफ होता है कि वो जरूर इसके तार बड़े ऊपर तक जुड़े हुए हैं, वरना ये इतनी छोटी घटना इसको आंका नहीं जाना चाहिए। ये थे प्रदीप तोमर की रिपोर्ट।